श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः आत्मानं जानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुशज्वरे। बृहदारण्य का यह जो मंत्र है, इस मंत्र पर किस प्रकार से चिंतन करना, यह बात चल रही है। ध्यान से सुनना। समस्या का हल करने के पहले ये विचार करना आवश्यक है कि समस्या है क्या। देखो तो समस्या का हल होगा निश्चित, यदि समस्या हो तो, समस्या ही नहीं है और उसका हल हम ढूंढ रहे। इसीलिए यहां प्रश्न उठाते हैं, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः। यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है कि हम ना तो देह है, ना तो प्राण है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना विज्ञानमय कोश है, ना तो जीव है, तो हमने जब अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो उसके पश्चात प्रश्न उठाते हैं, किमिच्छन्, क्या उसके अंतकरण में इच्छा प्रकट होगी। दूसरी बात, कस्य कामाय, क्योंकि इच्छा करने वाला ही नहीं होगा। इच्छा ही नहीं है तो इच्छा करने वाला कहां से होगा। कस्य कामाय, और इसीलिए शरीरम अनुषज्वरे, फिर वो ये स्थूल देह इत्यादियों को तादात्म्य करके सुखी दुखी कैसे होगा। देखो तो विचार करने की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों में उलझे ना रहे। नॉर्मली हम लोग अपने ही विचारों से परेशान रहते हैं, किसी अन्य के विचारों से नहीं। हम ये बैठे बैठे सोचते रहेंगे उल्टी सीधी बातें, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, सास ऐसी है, बहू ऐसा है, ये ऐसा है, कहते हैं, और फिर हमेशा चिंता करते रहे। देखो जैसे भगवान रमण महर्षि अपने ग्रंथ में उपदेश सार में पहले तीन जो भाग है, कर्म का कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, फिर भक्ति का या उपासना का जगतः ईषधि युक्त सेवनम, इन दो मार्गों से अंतकरण को शुद्ध करना और एकाग्र करना, उसके पश्चात फिर योग मार्ग से अपने मन को नियंत्रित करना, प्राण बंधनात् लीयते मनः, ये तीन मार्ग बताए। और तीन मार्गों में क्या स्वीकार किया है, ये स्वीकार किया है कि हमारा मन नाम की वस्तु है और वो अशुद्ध है, और उस अशुद्ध मन को शुद्ध करने के लिए कर्म मार्ग का उपयोग, फिर हमारा मन अनेकाग्र है, मन की अनेकाग्रता को हटा करके एकाग्रता लाने के लिए उपासना का उपयोग, फिर हमारा मन नियंत्रित नहीं है इसीलिए फिर उसके लिए योग मार्ग का उपयोग, ऐसा करके अंतकरण को शुद्ध करो, अंतकरण को एकाग्र करो, अंतकरण को नियंत्रित करो, और फिर भगवान का दर्शन होगा। फिर वही उठाते हैं प्रश्न, जिस मन को लेकर के महाराज आप इतने परेशान हो रहे हो, वो मन ढूंढो तो सही कहां है। मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवा, तो जिस मन को लेकर के इतने परेशान है, किम मानसम, ये मन है क्या, ढूंढो। और इस मन का जब अनुसंधान करते हैं कि मन नाम की क्या चिड़िया है,
तो नहीं वो मानसम, फिर पता चलता मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो महाराज, इसी प्रकार से यहां यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो मन में एक भी इच्छा का प्राकट्य नहीं होगा। कि मिच्छन, जैसे नाक तक खाना खाया है दबा दबा के, इतना दबा के खाने के बाद भूख की इच्छा होगी क्या? कितने भी पेटू रहो तो भी किमिच्छन। फिर जब भूख ही नहीं तो भूखा कोई होगा नहीं, बाकी लोग भूखे होंगे। जब कई बार लोगों को चिंतन करने का अभ्यास और संस्कार नहीं होते ना, तो प्रश्नों के उत्तर ऐसे आते हैं। एक बच्चे को स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे जमा घटा, तो बच्चा खा रहा था। खाने के बाद देखो मैं तुमको सिखाती हूं गणित, हर दिन गणित का एप्लीकेशन होता है क्या? जो तुम्हारे पास दो रोटी आती है ना, हाँ, तुमने दो खा ली तो दो में से दो गए, क्या बचा? सब्जी। क्या करोगे उस बच्चे को, क्या समझाओगे? इसी प्रकार से किमिच्छन, यदि हमने अपने पूर्णत्व को पहचान लिया है तो मन में इच्छा हो नहीं सकती। ध्यान से सुनना, तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? इच्छा को पूरा करना या इच्छा के परे जाना, हमारे लिए आध्यात्मिक साधना यही है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। वहां चले गए मत्था टेका, भगवान नोट कर लो, तो हो क्या जाता है? दुनिया की उपलब्धियां ये बन जाता है जीवन का लक्ष्य, और भगवान बन जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन। तो ये साध्य साधन विवेक जो है वो पलटी खा गया। जैसे उल्टा तारीफ, एसटीडी के 50 पैसे पर मिनट, और उसके उससे भी कम, उल्टा नहीं है ये। किमिच्छन कस्य कामाय, अंतकरण में इच्छा का प्राकट्य हो ही नहीं सकता यदि आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। तो कस्य कामाय, इसीलिए कोई इच्छा करने वाला भोक्ता करता रहेगा नहीं। ये बताने के लिए हमने पिछले बार देखा था इत्यभिप्रेत्य भोक्तारम् आक्षेपत्य विशंकया कस्य कामायमेति तथा शरीर अनुज्वरो नहीं। तो यदि हमारे अंतकरण में कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, कर्तृत्वाभिमान नहीं है, तो कौन इस देह के पीछे पड़ा रहेगा? इससे क्या निकला? जब तक के हम देहात्म भाव से जीते हैं तभी तक संसार है। पिछले बार हमने इसका बड़ा विस्तार चिंतन किया था। पहली गलती, हमने अपने को देह स्वीकार किया। देहात्म भाव यह मिथ्यात्मा है। उसके पश्चात फिर बन जाते हैं पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू। और दुखी कौन होता है? ये जो गौणात्मा है ना, ये दुखी होता है। इतना कितना हजार बार ठोक ठोक के, जैसे वो चक्की के आटे का जो ये होता है ना पत्थर, जिस पर चक्की घूमती है, उसको छिन्नी से मार मार करके रफ करते हैं। इसी प्रकार से कितनी ही बार सुनाया है, लेकिन कोई फर्क नहीं। कारण क्या है? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। तो ये दुनिया में ज्यादा मत फंसो बाबा, जितना आवश्यक है ना उतना रहो। तो ऐसे फंस जाते हैं और फिर यही चक्कर है, स्वामी जी हमारे मन में बहुत विचार आते हैं, क्या करें? तो विचार करो क्या करें। तो कस्य कामाय इति तथा शरीर अनुज्वरो नहीं। अच्छा,
तो ये जो जीवन में परेशानी होती कारण क्या है, तो ज्वर माने ताप माने रोग, ये देह के गुणधर्म है। स्थूलम सूक्ष्मम कारणंच शरीरम त्रिविधम स्मृतम, स्थूल देह सूक्ष्म देह कारण देह, ये तीन प्रकार के शरीर है और इन तीन शरीरों को तीन प्रकार के रोग होते हैं। हर एक को हर रोग नहीं होता। एक किसी की हमारे साथ इंट्रोडक्शन हो गई कि स्वामी जी ये हमारी बहू है और आपको कभी कुछ समस्या हो तो पूछ लेना, वो डॉक्टर है। तो मैंने कहा कौन सी डॉक्टर हो? अरे स्वामी जी मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कहा माफ करना, मैं ट्राई तो करूंगा। तो हर एक को हर रोग थोड़ी होता है। तो वात पित्त श्लेष्म जन्य व्याधया कोटिश स्तन, तुम्हारा माइक खराब है महाराज, घास हो गया क्या लड़का? दुर्गंधित्व कुरूपत्व दाह भंगादय तथा स्थूल शरीर को लेकर के अनेक रोग होते हैं। एक तो होता है कफवात पित्त, इन तीनों का संतुलन खत्म हो जाना, और दूसरे बार शरीर में रोग होना, दुर्गंधी आना, हाथ पैर टूट जाना, जलना इत्यादि, ये स्थूल देह के हजारों रोग है। फिर सूक्ष्म देह के कौन से रोग है? काम क्रोध क्रोधा दया शांति दांत्याद्य लिंग देह गाहा, लिंग देह सूक्ष्म देह के जो रोग है ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, और दूसरे रोग है शांति दांति उपरति इत्यादि। ये कैसे रोग हो गए बाबा? शांति रोग थोड़ी है, शांति तो महारोग है। ध्यान से सुनना, जिन लोगों को हमेशा शांति प्रिय होती है, थोड़ा भी खटखट हो जाए तो एकदम तूफान उठ पड़ता है। इसलिए कहते हैं ज्वरा द्वये भी बाध्यन्ते प्राप्त्या प्राप्ति नरम क्रमात्, यदि अंतकरण में काम क्रोध इत्यादि पैदा हो गए तो आदमी परेशान, यदि शांति दांति भंग हो गई तो आदमी परेशान, तो दोनों रोगी हो गए ना। इसीलिए इसको ज्यादा महत्व मत देना, इतना महत्व देते एकदम शांति मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, बात मत करना, मौन का अभ्यास। ऐसे अनेक स्थान है जहां आप फ्री में जाके रह सकते हो। स्वामी जी मुझे एड्रेस दे देना। मुझे पूछने वाले होते हैं ऐसा। तो वहां क्या है, आपको एक कमरे में बंद कर देंगे और चाबी खो गई, लेकिन आप कमरे में अकेले होगे, दूसरा कोई नहीं होगा, और ना तो आपको वहां टीवी है, न्यूज़पेपर है, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा छेद है उसमें से आपको थाली दे देंगे खाने की, टाइम से निकाल लेंगे, आप अपने कपड़े वहीं से भेज दो, धो के आ जाएंगे, और वहां आपको रहना है एक महीने तक। कितने लोग जाते हैं दो चार दिन में खटखटा करके वापस आ जाते, बाबा नहीं होता, क्योंकि शांति ये जो है ये भी काटने को दौड़ती है। एक सज्जन हमको मिले प्रेमपुरी में, कुछ पूछ रहे थे, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना, मैंने वहां खड़े रह के बात करो, नजदीक मत आना। तो बोले अच्छा स्वामी जी, मैंने बोला पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारा घर रेलवे ट्रैक के पास है क्या? तो बोले स्वामी जी आपको कैसे पता चला? आपके बोलने से। जो लोग रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं ना, वो घर में भी नॉर्मल थोड़े बोलते, जोर जोर से बोलेंगे, पर एक बार ऐसी आदत हो गई तो वैसे ही बोलते, बिल्कुल नजदीक खड़े है, कामे नहीं कैसे हो, अरे शांति शांति। तो ये दोनों विक्षेप और शांति दोनों भी दुख का कारण बनते हैं, यही मानसिक रोग है। काम क्रोध मिला तो दुख है, शांति भंग हो गई तो दुख है। अब ये हमारा जो कारण शरीर है, कारण शरीर किसको कहते हैं, उसके क्या रोग है? अभी हम गए थे पचमढ़ी, वहां एक सज्जन ने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी
हम बहुत प्रयत्न किए हैं कि कारण शरीर को समझने का, समझ भी नहीं आता क्या करे, हमको समझाइए। हमने कहा देखो हमको समझ में आता है स्थूल देह, और इसीलिए स्थूल देह के संदर्भ से ही हम समझा सकते हैं। तो फिर कहेंगे सूक्ष्म देह, सूक्ष्म देह माने जिसका आकार नहीं होता। तो आकार नहीं होता तो शरीर कैसा कहेंगे उसको? हाँ ये तो है। हमने कहा इसीलिए आपको एक प्रश्न नहीं दो प्रश्न है। और फिर आगे कारण देह किसको कहते हैं? कारण देह कहते हैं जब हमको अपने स्वरूप का अज्ञान है, जब हमको जगत का अज्ञान है, जब हमको ईश्वर के बारे में मालूम नहीं है। यह जो नितांत अज्ञान की अवस्था है, ध्यान से सुनना, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव कभी मत करना, ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विचार है। कल परसों बैठे थे तब हमको यह प्राप्त हुआ, फ्रेश है। देखो अज्ञान माने ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता। ज्ञान का यदि अभाव होगा तो चित कैनॉट बी सत, और सत और चित एक है, अलग अलग नहीं है। तो ये ऐसा ही कहना है कि सच्चिदानंद में सत माने सत्य वस्तु तो है लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है, ये दो अलग अलग नहीं है। इसीलिए अज्ञान का तात्पर्य हो गया अपूर्ण ज्ञान। तो यह जो अपूर्ण ज्ञान है अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, इस अपूर्ण ज्ञान के स्थिति को ही कहते हैं कारण शरीर। इसलिए स्वं परं च न वेत्यात्मा विनष्ट इव कारणे आगामी दुख बीजं चेति इन्द्रेण दर्शितम्। उपनिषद में आता है कि हम ना तो अपने को जानते हैं ना तो अन्य को जानते हैं। देखो गहरी नींद में कारण शरीर की अवस्था होती है, गहरी नींद में ना तो हम अपने को जानते हैं ना तो अन्य को जानते हैं, लेकिन उस समय में भी अपने जो संस्कार है अंतकरण पर वो संस्कार सुख दुख के वैसे बने रहते हैं। इसीलिए आगामी दुख बीजं चेति, तो नींद से उठने के बाद फिर वही तमाकू वही चूना फिर रगड़ना शुरू हो गया। और ये सबके लिए आपने देखा होगा, हम अपने बच्चों को सुलाते हैं तो बच्चा अपना हाथी घोड़ा या जो भी होगी डॉल वगैरह उसको लेके सोता है। उठने के बाद पहला प्रश्न, मेरा हाथी कहां गया? पहला प्रश्न, क्योंकि ये जो संस्कार है मन के, ये संस्कार कारण देह में सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए जब कहते हैं जब तक के ये कारण देह भंग नहीं होता, तो कारण देह का भंग होना माने क्या? हमारे अंतकरण पर अब एक भी संस्कार नहीं बचा और अपने स्वरूप के बारे में अब ज्ञान स्पष्ट हो गया कि हम ना तो देह हो सकते हैं, ना तो प्राण हो सकते हैं, मन बुद्धि इत्यादि, ना तो हम जीव हो सकते हैं। यह जो ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी उसी में ये कारण देह जल जाता है। इसीलिए आगामी दुख भी जम से इसी एकद इंद्रेण दर्शितम, चंद जो उपनिषद की कथा उसमें बताया है। अच्छा, एते ज्वरा शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मता वियोगे तु ज्वरे स्थाने शरीराण्येव नाशते। तो ये तीन प्रकार के जो ज्वर है, रोग है, ये तीन देह के है, स्थूल देह के, कफवात पित्त इनका संतुलन बिगड़ना, सूक्ष्म देह के काम क्रोध शांति दांति इत्यादि, और कारण देह के अपने स्वरूप का और अन्य का अज्ञान, ये तीन जो रोग है ये तीन शरीरों के है। जब तक के रोग होते हैं तब तक के हम जिंदा है, मुर्दे को रोग नहीं होता, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति को समझो कैंसर हो गया, कैंसर होने के बाद उसका शरीर बढ़ रहा है, उसको काटो उसमें से पस निकल रहा है, दर्द हो रहा है,
और समझो वो आदमी मर गया, मरने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ मत कर देना, उसके कैंसर का क्या हो गया उसको ढूंढना। देखो एक आदमी को कॉलरा हो गया, डिसेंट्री हो के वो सूप करके मर गया, मरने के बाद फिर उसको डिसेंट्री जारी रहती है क्या? देखो जितने रोग है ये जिंदापने का लक्षण है, इसीलिए जिनको रोग हो रहे हैं वो जिंदा है, बाकी के राम राम। एतेज्वरा शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविकामतां वियोगे तु ज्वरैस्तानि शरीराणि एव नासते। इसलिए अपने में कोई यदि रोग इत्यादि आ जाते हैं ना तो दुखी मत होना, अच्छे बात है भाई जिंदा है इसलिए रोग। अब कैसे? तंतुर्वियुज्येन पटः बालेभ्यो कम्बलो यथा मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्यो आपीति दृश्यताम। जिस प्रकार से कपड़े में से धागा निकाल दे तो कपड़ा नहीं रहता, कंबल में से यदि ऊन निकाल दे तो कंबल नहीं रहता, घट में से मिट्टी निकाल दे तो घट नहीं रहता, इसी प्रकार से देह में ज्वर माने ही जो परिवर्तन है, परिवर्तन देह का स्थिर लक्षण है। देखो हर एक में नॉन स्टॉप परिवर्तन चल रहा है, स्थूल देह में चल रहा है, सूक्ष्म देह में चल रहा है, जहां ये परिवर्तन होना बंद हो जाएगा समझ लेना कि जीवन समाप्त हो गया। इसीलिए ये ज्वर ज्वर भी देह में ही है। अब सवाल ये आता है, यदि हमने अपने देह के साथ तादात्म्य किया ही नहीं तो ये जो देह के गुणधर्म है ये हम पर कैसे लागू हो गए? इसीलिए कहते हैं चिदाभासे स्वतः कोपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः स्वप्रकाश स्वभावत्वम एव दृष्टम न च इतरत्। तो यह जो चिदाभास, चिदाभास क्या है? चिदाभास है परमात्मा का विज्ञानमय कोष में प्रतिबिंब, और उसके पश्चात यह विज्ञानमय कोष देह मनोबुद्धि इत्यादि के द्वारा तादात्म्य करके मैं की भ्रांति निर्माण करता है, मैं की कल्पना करता है। तो देह के साथ तादात्म्य किया, मैं देह हूं, फिर देह के जो गुणधर्म है वो मेरे गुणधर्म है, फिर प्राण के साथ तादात्म्य किया तो प्राण के गुणधर्म मेरे बन गए, तो फिर मैं भूखा प्यासा, फिर मन के साथ तादात्म्य किया तो मैं सुखी दुखी। तो जितने भी हमारी अनुभूतियां है वो होती है तादात्म्य के बाद, जब तादात्म्य नहीं होता तब अनुभूतियां नहीं होती। देखो अब और आगे चलो, यदि आपने एक बर्तन में पानी रखा, ऊपर से बल्ब है तो बल्ब का प्रतिबिंब उस पानी में पड़ेगा, और उस प्रतिबिंबित बल्ब से दूसरा प्रकाश निकाल करके दूसरे को प्रकाशित करेगा, तो जो गुणधर्म ओरिजिनल बल्ब का है वही गुणधर्म उस प्रतिबिंबित बल्ब का भी दिखेगा, जहां तक के प्रकाश तत्व की बात है और कुछ नहीं। अब पानी की जो क्वालिटी है उस पर उसका बल्ब पर प्रभाव पड़ेगा क्या? पानी यदि गंदा है तो बल्ब को कोई प्रभाव नहीं, पानी यदि हिल रहा है तो बल्ब पर उसका कोई प्रभाव नहीं। ध्यान से सुनो, जो प्रतिबिंब है क्या उस पर भी पानी के क्वालिटी का प्रभाव पड़ेगा? चिंतन करो, तो उस पर भी पानी के क्वालिटी का प्रभाव नहीं पड़ता। कारण क्या है? क्योंकि प्रतिबिंब नाम की कोई सॉलिड वस्तु है क्या? आप ऐसा कर सकते हो क्या, जैसे बाहर के बल्ब को निकाल सकते हो इसी प्रकार से पानी में जो प्रतिबिंब पड़ा है ना, हाथ डाल करके प्रतिबिंब को उठा करके जेब में रख लेना, हो सकता है क्या? वो केवल प्रतीति है, नहीं है वास्तविक। इसी प्रकार से चिदाभास जिसका देह
मन इनकी विकारों के साथ जो तादात्म्य होता है वो तादात्म्य भी होता नहीं, केवल प्रतीत होता है, असल में नहीं होता। जैसे पानी को हिलाया तो प्रतिबिंब टूटता हुआ नजर आता है, लेकिन क्या वो टूट रहा है? नहीं, केवल प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार से दुख के साथ तादात्म्य किया तो मैं दुखी हूं, यह प्रतीत होता है। और जब पता चला कि जिसके कारण में मुझे दुख हो रहा था वो मेरे बच्चे को नहीं हुआ, पड़ोसी के बच्चे को हुआ, तो फट से दुख गाय। अरे क्या हो गया? पड़ोसी को ऐसे ही चीज। तो ये जो मैं दुखी हो गया था, ये कैसे दुखी हुआ? दुखी हुआ ही नहीं था। इसीलिए संतों, दुख सत्य नहीं है, इसको पहचाने, यही आध्यात्मिक साधना है। इसलिए चिदाभासे स्वतः कोपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः। तो जैसे पानी के जो गुणधर्म है, पानी मटमैला है, पानी हिल रहा है, वो उसके अंदर में गंदगी डाली हुई है और उसमें जो प्रतिबिंब हो रहा है, उस प्रतिबिंब पर पानी के कोई भी गुणधर्म प्रभाव नहीं डालते हैं, तो ओरिजिनल बल पर कैसे डालेंगे? इसी प्रकार से यदि यह जो चिदाभास है, परमात्मा का अंतकरण में जो प्रतिबिंब है उसको चिदाभास कहते हैं। ये चिदाभास यदि ज्वरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता तो जो शुद्ध चेतन सत्ता है, जो साक्षी चैतन्य है, इस पर इन सबका कहां प्रभाव पड़ेगा? देखो, इसीलिए यहां कहते हैं कि कस्य कामाय, किसको इच्छा होगी? परमात्मा को इच्छा नहीं हो सकती, चिदाभास को इच्छा नहीं हो सकती। इच्छा किसको होती है? चिदाभास का देह के साथ तादात्म्य हुआ, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भाई, मैं बहन, मैं पति, मैं पत्नी, मैं माँ, मैं बाप बन गए, और फिर इन पब्लिक को सुख दुख होता है, मनुष्य को कभी नहीं होता। इसको केवल पहचानना है, इसको करना कुछ नहीं। देखो, जिस दिन ये बात अपने गले उतरेगी ना, समझ लेना बापे की फुल कृपा, तभी ठीक होगा। तो प्रकाश का स्वभावत्व दृष्टं न च इतरत्, चिदाभासेप्य संभाव्या ज्वरा साक्षिणी का कथा एकम एवं अपि एकता मेने चिदाभासो यविद्या। लेकिन ये तो आपने बता तो दिया, ठीक है, लेकिन बता, दुख होता है कि नहीं आदमी को? दुख होता है, लेकिन क्या वो दुख होना सच है? इसीलिए कहते हैं चिदाभासी अपि असंभाव्या ज्वरा एते। ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के रोग है, ये चिदाभास को तो होते ही नहीं, तो साक्षिणी का कथा, तो साक्षी चैतन्य में हो ही नहीं सकते। फिर भी यह जो चिदाभास है, एकताम मेने, ये चिदाभास अपने आप को ये स्थूल सूक्ष्म कारण देह के जो ज्वर है, जो रोग है, उनके साथ इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद उसका सिनेमा शुरू हो गया। देखो, ये हम आपको उदाहरण देते हैं, कई बार हमको अपने पर ही तरस आता है। मालूम है कैसे तरस आता है? मुझे कौन अभी रिसेंटली कहीं मिला था, बोले स्वामी जी आपके जोक्स हमको बहुत अच्छे लगते हैं। राम राम, मैं जोक नहीं बताता, मैं तत्व का चिंतन करता हूं। दूसरा एक सज्जन मुझे कहता है, स्वामी जी आपकी अंग्रेजी तो बिल्कुल हमको हमारी जान में लेती है। माने क्या, समझ में आती है? एक सज्जन है, हमको फोन करते हैं, स्वामी जी यूपी के, यूपी के लोगों को वैसे ही अंग्रेजी भयानक होती है, इसलिए उसको उल्टा प्रदेश कहते हैं। तो हमको फोन करते हैं, स्वामी जी बस हमने तो आपसे प्रेरणा प्राप्त करके सबको नियम लगा दिया घर में, सबके सब केवल अंग्रेजी बोलेंगे, और मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं, और वो क्या बोलते मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन अंग्रेजी बोलता हूं कहते। और फिर कहते अच्छा आपने मुझे कुछ बताया नहीं, तो नेवर माइंड। फिर मुझे कहते हैं बाद में,
I collect the dust from your feet and put on my head and sprinkle it, okay? किसने कहा है अंदर से बोलने को? देखो, माने जो तत्वगत चिंतन हो रहा है वो हो गया है सेकेंडरी और फालतू चीजों में फंस गए। इसी प्रकार से यहाँ जो बताते हैं कि यह जो चिदाभास है, देह के साथ तादात्म्य किया, आदमी स्त्री पुरुष भाई बहन बन गया। इस पर थोड़ा चिंतन करो, जिसको लेकर हमने ये बताया, स्त्री भगवान की निर्मित वस्तु, उसमें कोई समस्या नहीं। वही स्त्री जब पत्नी बन जाती है या मां बन जाती है, पुरुष के जीवन में दो स्त्रियां आती है। पहली होती है मां, जो उसको इस दुनिया में रोते रोते लाती है। दूसरी होती है पत्नी, उसका रोना जारी रखती है। तो ये स्त्री हो गई, फिर पत्नी हो गई, फिर मां हो गई, मां होने के बाद सास हो गई। अब देखो स्त्री के जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं ना, कितना फर्क है। और उसमें दुखी कौन हो रहा है? ये जो गौणात्मा जो है ना, मां दुखी है, उससे भी ज्यादा सास दुखी है, उससे भी ज्यादा बहू दुखी है। इसमें से निकलना है समझदारी के साथ। ठीक है, हम तुझसे बात नहीं करेंगे, ये बेवकूफी है। देखो संतो, इसीलिए चिदाभासः अविद्या एकताम मेने, यह जो चिदाभास है अपूर्ण ज्ञान के कारण इन ज्वरों के साथ देहों के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए साक्षी सत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेति वपुस्त्रये तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते। फिर आगे क्या होता है, कहानी जारी है। चैतन्य का जो सत्यत्व है, चिदाभास के साथ, चिदाभास का जो देह के साथ तादात्म्य है, इन दोनों को इकट्ठा करके साबूदाने की खिचड़ी, और ये खिचड़ी जो है उसको कहते हैं तत् सर्वम वास्तवम सस्य। फिर ये सोचने लगता है कि देह के रूप में मैं सत्य हूं। हमने इसका भी आपको कई बार उदाहरण दिया है, इसका सूक्ष्मता से चिंतन करो महाराज। एक घंटा श्रवण के पश्चात 22.5 घंटे चिंतन होना चाहिए, फिर जो आधा घंटा बचता है उसमें 10 मिनट का यदि ध्यान के लिए शांत बैठ सके 15-20 साल के अभ्यास के बाद, तो बहुत तरक्की हो गई। देखो चिंतन का अभाव है हमारे लिए। सत्संग क्या हो जाता है? सत्संग के द्वारा शांति प्राप्त होती है घर में, क्योंकि हम घर से बाहर निकल आते हैं। अपने को तो नहीं शांति प्राप्त होती है, वहां तो वही तूफान चल रहा है। चिंतन करो, चिंतन करो, बहुत आवश्यक है। तो देह के साथ तादात्म्य किया, अच्छा अब चिंतन ऐसा करना है, ये कितने देह बदल चुके हैं। पहले बच्चा का देह था वो बदल गया, फिर जवानी का आया वो बदल गया, फिर मिडिल एज का आया फिर वो बदल गया, फिर मिडिल एज का आया फिर वो हो गया। अब तो लग रहा है लेकिन फिर भी यंग अडल्ट फिर वो आ गया, और आदमी अब तो बूढ़े हो गए ना। हाँ लगता तो है। तो कितनी देह बदल गए और फिर भी हम इसके ऊपर चिंतन नहीं करते, और फिर इसी को सत्य मानने लग जाते हैं। तो जो प्रतीति है, प्रतीति को सत्य मान के चलने वाला, उसका कोई भी उपाय नहीं है। तो जैसे उदाहरण देते हैं साधु संत, शास्त्रों में भी आते हैं कि जो मृगजल होता है, मृग तृष्णा, उसके पीछे दौड़ने वाला जो हिरण है, उसको क्या कर सकते हो आप बचाने के लिए? क्या उस मृग तृष्णा को ढक सकते हो? नहीं। ये तो उसी को समझना है कि ये केवल प्रतीति है, असलियत नहीं है।
इसी प्रकार से इस दुनिया में ऐसे रहो कि जो जो अपना कर्तव्य है उसको करो, लेकिन उसे फंसो मत, यही साधना है। इसीलिए सभी समस्याओं का समाधान केवल एक सिद्धांत से होता है, ये सब कृष्ण लीला चल रही है, ये सब राम लीला चल रही है। लीला में सब कुछ दिखता है, हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। अभी हम बुंदेलखंड गए थे तो वहां एक शहनाज अख्तर करके गायिका, उसने पूरा रामायण गाया है, इतना जबरदस्त गाया उसने, बहुत सुंदर है। तो उसे पूरी राम की कथा है, लेकिन कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, फिर क्या टाइम पास हो जाता है। इसी प्रकार से इस जगत में जो भी हमको करना है इसलिए करना है कि टाइम पास हो जाता है, घर में रोटी बनाना है अच्छा 15 मिनट निकल गए, उसके बाद कपड़े धोने अच्छा आधा घंटा निकल गया, फिर सुखाने हैं और 15 मिनट निकल गए, फिर प्रेस करनी है, हमको 24 घंटे भरने हैं ना, नहीं तो करोगे क्या? अपने आप को बिजी रखना फिजिकली या सेवा करना ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है, लेकिन हम क्या करेंगे? दिन भर भैंस के जैसे पड़े रहेंगे, नौकर आकर जरा पानी देना, बहन जी पानी ले लो मुंह में डाल। भैंस के भैंस बन जाए तो तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य स्वरूपम इति मान्यते, और फिर हमको यही लगने लग जाता है कि हम वास्तव में देह है, फिर उसके बाद वास्तव में माँ है, फिर उसके बाद वास्तव में सास है, वास्तव में दुखी है, और इसी को वास्तविकता देते देते हम अपने जीवन की शांति नष्ट कर देते हैं, और जो स्वयं अपने साथ प्रसन्न नहीं है दुनिया में किसी के भी साथ प्रसन्न नहीं रह सकता। ये बहुत आवश्यक बात है, कोई भी हमको एक बार बताएगा, दो बार बताएगा, तीन बार बताएगा। एक बार मुझे किसने पूछा था, स्वामी जी आपसे कुछ पूछना है, हमने कहा आई हैव रिटन यू ऑफ, हम आपसे एक भी बात नहीं करेंगे। कितने बार वही बात बताएंगे? हमारी आध्यात्मिक साधना होती है अगला हमारी बात माने, ये नहीं होती है, स्वयं में परिवर्तन लाना है। और एक बार जैसा होता है ना, कांच को एक बार तड़ा गया, टूट गया, उसको आप चाहे कुछ भी करो जोड़ नहीं सकते, एक्सेप्ट माय ग्लासेस, मेरे ग्लास टूट गए थे अभी, उसको जोड़ दिए। साउथ अफ्रीका में मैं इतना थका हुआ था, खाना खा के वहीं बैठे बैठे एकदम नींद आ गई, और चश्मा ऐसा पेट पर रखा था, और फिर लेक्चर फटाक से उठा, उठ करके चश्मा नीचे, उसके ऊपर मेरा पैर आए रह रहा हूं, लेकिन वहां 2 मिनट में सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन फिर भी उसमें जो है ना जोड़, वो तो दिखेगा ही ना। इसीलिए महाराज अपने आप में परिवर्तन लाना, इसका तात्पर्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। ये हमने आपको कितने बार बताया, बच्चों को हम केवल देह देते हैं, जो देही है वो मां बाप निर्माण नहीं करते। एक ही मां बाप के दो बच्चे होते हैं, एक तो बहुत ही सिंपल टन और दूसरा बहुत ही टन टनाटन। अब एक ही बच्चे मां बाप के दो, कितना एकदम विरोधाभास है। इसीलिए संतो एतस्मिन् भ्रांति काले यम शरीरेषु जरत सथ स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते ही कुटुंबिवत। तो भ्रांति काले जब तक के ये भ्रांति बनी रहती है कि ये देह मैं हूं, तो देह के जो ज्वर है, परिवर्तन है, रोग है, वो भी मैं हूं, और इसीलिए ज्वरामी इति मन्यते। तो शरीर को मोटापन आ गया तो मैं मोटा हो गया, शरीर पतला है तो मैं पतला हूं, शरीर पुरुष का है तो मैं पुरुष हूं, शरीर स्त्री का है तो मैं स्त्री हूं, इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। कुटुंबीवत, जैसे बच्चे को बीमारी हो गई तो मां को लगता है कि मैं बीमार हूं, तपत्सु पुत्र दारेशु तपामीति वृथा यथा मन्यते पुरुषस्तद्वत् आभासोऽप्यभिमन्यते।
तो जैसे पुरुष अपनी पत्नी बीमार है तो सोचता है कि मैं बीमार हूँ, क्यों पैसे खर्च हो रहे हैं। ये वृथा है। इसी प्रकार से यह जो चिदाभास है, देह और उसके जो परिवर्तन है उनके साथ तादात्म्य करके एक ऐसे व्यक्तित्व को निर्माण करता है जो कहीं है ही नहीं। हमने आपको ये बताया था, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भूल गए होंगे। एक जर्मन लेडी ने हमको कहा, बहुत पुरानी बात है, 10 साल पहले की, बोले स्वामी जी आप यदि मेरे लाइफ में पहले आ जाते ना तो मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं लेता। तो क्या मेरे साथ शादी करने का विचार था क्या? तो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अब मुझे पता चला कि मैं कहां गलती कर गई। हमने कहा ठीक है अभी अभी आप मत करना बहुत हो गए, ठीक है, जिसको पकड़ा है उसको पूरी तरह से दुखी करना। अपने यहां जो डाइवोर्स नहीं करने का कारण यही है, बदला लेने तो पूरा हुआ। तो फिर मैंने कहा आप मुझे प्रश्न पूछना है, पहले बार जब तुम पत्नी बनी हस्बैंड नंबर 1 के साथ बीबी नंबर 1 H1 और B1, अच्छा उसके बाद डाइवोर्स हो गया, फिर दूसरे हस्बैंड के साथ तुम बीबी बनी H2B2, तो पहली बीबी और दूसरी बीबी इन दोनों का क्या संबंध है? पहली बीवी मर गई थी क्या? यदि वो मरी तो उसका क्रियाकर्म किया गया, जैसे हम लोग क्या जाते हैं ना खाने के बाद वो हमारे क्रियाकर्म करते हैं, फल फूल दे करके। देखो दे परफॉर्म द लास्ट राइट्स। तो सवाल ये है कि पहले पति से जब डाइवोर्स लिया तो वो पत्नी कहां गई? तो पत्नी नाम की कोई वस्तु थी क्या? पत्नी यह एक मानसिक भ्रांति है, वास्तविकता थोड़ी है। और किसके मन में भ्रांति है? पति के मन में, पत्नी के मन में नहीं है। उसको लगता है कि ये मेरी है, वो किसकी नहीं है। देखो इसीलिए भ्रांति काले जब हम यह भ्रांति काल में है तभी ऐसे लगता है कि ये सब सत्य है। इसलिए कहते हैं विच भ्रांतिम उज्जित्वा स्वयं अपि अगणयन सदा चिंतयन साक्षरम कस्मात् शरीरम अनुशज्वरे। इसीलिए जब यह चिदाभास ये जो मैं है, अब इस मैं को कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये जो मैं का भाव है, अब ये मैं इसके बारे में ऐसा चिंतन ऐसा चिंतन करे कि क्या मैं देह हो सकता हूं तो नहीं, क्या मैं प्राण हो सकता हूं तो नहीं। चैतन्य उपनिषद में यही मंत्र है, एतमन्नमयम् आत्मानुपसंक्रम्य एतम् प्राणमयम् आत्मानुपसंक्रम्य एतम् मनोमयम् आत्मानुपसंक्रम्य एतम् विज्ञानमयम् आत्मानुपसंक्रम्य एतम् आनंदमयम् आत्मानुपसंक्रम्य एतत् सामगायन् नास्ते अहमन्नमहमन्नमहमन्नादः। यह जो सामगान है ये तब प्रकट होता है कि जब हम ये पंचकोशों के साथ तादात्म्य छोड़ करके अब हम देहात्म भाव से नहीं जीते, अब हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। ये कहते हैं विविच भ्रांतिमुज्झित्वा, ठीक प्रकार से विवेक के द्वारा ये जो भ्रांति में हम फंसे हैं कि हम दुखी हैं, हम असल में दुखी नहीं है। नेवर जस्टिफाई यूर सेल्फ बीइंग मिजरेबल, नेवर जस्टिफाई। हम जितना जस्टिफिकेशन करेंगे ना तो हम जो आपको क्या होता है, बी हैप्पी बी हैप्पी, शादी करके दिखाओ बी हैप्पी, माने हमने शादी करना दुखी होने का एक लाइसेंस मिल गया, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना। इसीलिए एक लड़के को हमने पूछा भाई तेरी शादी हो गई क्या, बोले नहीं मेरा चेहरा ही वैसा है।
शादी के बाद आदमी के चेहरे पर एक प्रकाश हो जाता है। देखो तो फिर स्वम साक्षरम चिंतयन, और दो बातें हो गई फिर, जो हम नहीं है उसका त्याग और जो हम है वो निष्ठा। तो हमने पंचकोशों का त्याग कर दिया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सब का त्याग होने के पश्चात अब कुछ भी नहीं बचा। नहीं, वो जिसका त्याग नहीं हो सकता वो हम है। इसीलिए किसी को भी अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता। हमारी समस्या क्या है? बिजली है क्या? जरा मैं देखता हूं। ले लिया बल्ब, बल्ब को घुमाया वायर के तरफ, दिखती तो नहीं कहीं बिजली। जिस बिजली के कारण बल्ब में प्रकाश है, वह प्रकाश बिजली कैसी दिखती है प्रकाशित नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो मन इंद्रियों के माध्यम से शब्द स्पर्श रूप स्पर्श गंध ग्रहण करने को सक्षम होता है, उस मन को ये इंद्रिय कभी नहीं देख पाएंगे। और जो चेतन सत्ता देह के माध्यम से मन के रूप में प्रकट हो रही है, उस चेतन सत्ता को मन कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनः, न विद्मः, न विजानीमः, यथा एतत् अनुशिष्यात्। और इसीलिए इसके बारे में कैसे पढ़ावे ये भी बड़ी कठिन बात है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशला अनुशिष्टा। कठोपनिषद की शुद्धि कहती है ये बड़ा आश्चर्य है कि जिसके बारे में कोई बोला ही नहीं जा सकता, बाबा जी लोग बोलते रहते, और जो समझा नहीं जा सकता उसको शिष्य समझता है। देखो इसीलिए अपने इस स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना। माने एक जैन सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप लोग भी कहते हो, हमारे मुनि लोग भी कहते हैं आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन करो माने क्या, कोई बताता नहीं। हमने कहा देखो आत्मचिंतन करना माने अनात्म चिंतन के अभाव को ही आत्मचिंतन कहते हैं, क्योंकि चिंतन के द्वारा ही हम अपने से दूर चले जाते हैं। जब दूर भटकना बंद हो गया तो हम तो है ही। देखो अब जो हमने आपको कई बार एक्सपेरिमेंट करवाया है, अपनी आंखें खोल करके पीछे का बैकड्रॉप देखो, अब ये अनुभव करो कि आप कहां हो, आप अपने से दूर हो। फिर वहां से हट करके हमारे मुख कमल पर ले आओ, नजर मत लगा। अब वहां से हट करके अपने आंखों में अपनी दृष्टि ले आओ, स्पष्ट अनुभव होता है कि हम अपने करीब आ रहे हैं। अब आंखें बंद करो, अब देखो जो आंखें बंद करके अनुभव हो रहा है उसमें रूप रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि नहीं है और रूप रंग का अभाव है, लेकिन अपना जो होना है, अपनी जो सत्ता है वो अकाट्य है। इसमें कुछ चिंतन करना थोड़ी है, ये तो वास्तविकता है। सदा चिंतयन साक्षिणम, जो इस प्रकार से नित्य निरंतर अपने इस साक्षी चैतन्य में लगा हुआ है। कस्मात् शरीरम मनुष्यज्वरे, क्या फिर वो इस दुनिया के चक्कर में फंसेगा? दुनिया शुरू हो जाती है, एक बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा, 6-7-8 साल का होगा, स्वामी जी When was this world created? मैंने पूछा,
बेटा तुमको किसने पूछा ये पूछने के लिए? मम्मी ने। मम्मी का चेहरा गिर। कितने बार बताए मेरा नाम मत बताना। लेकिन आपने बताया ना, झूठ मत बोलो, स्वामी जी ने मुझे पूछा तो मैंने बता दिया। ये प्रश्न बच्चे के मन में नहीं आते, ये प्रश्न उनके मन में आते जो प्रश्न टेढ़े। जगत के बारे में प्रश्न मन में आया तो समझ लेना आप फंसे हो। देखो, यदि आपने पूछा ऐसा कोई प्रश्न कि यहां ऐसा कोई है क्या कि जो खुजली को ठीक कर सकता है, ऐसा कौन पूछेगा जिसको खुजली हुई है? जिसको खुजली हुई नहीं वो क्यों पूछेगा? इसी प्रकार से जो दुनिया के द्वारा दुखी है वो प्रश्न पूछेगा, दुनिया बनाने वाले काहे को बनाए दुनिया? इसलिए महाराज, जगत का चिंतन अपने आप शांत हो जाता है। कस्मात् शरीरं मनुष्य द्वारे, देह के साथ तादात्म्य करके फिर वो परेशान सुखी दुखी होना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अच्छी बात है, हमको तो लगा पहली बार सुन रहे हैं। बीच में बहुत पानी बह गया, एकदम साफ सुथरा हो गया। अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम हेतु पलायने रज्जु ज्ञाने ही धीरस्तौ कृतम अपि अनुशोचते। अब उदाहरण लेते हैं। अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम हेतु पलायने, यदि हमने देखो, हमने कहा आपको पिछले बार वेदांत का अध्ययन जब तक के साफ रस्सी नहीं आती तब तक के पूरा नहीं होता, चाहे उसमें ब्रह्मा आए न आए, साफ रस्सी को आना जरूरी है। तो यदि हमने रस्सी को सांप के रूप में ग्रहण किया तो उस सांप को देख करके हम भागने लगेंगे क्यों? और यथावत, यथा माने जैसी है वैसी, जैसे हमने रस्सी को रस्सी के रूप में देखा तो भागेंगे थोड़ी, लेकिन उसी रस्सी को यदि सांप के रूप में देखा तो भागेंगे। इसी प्रकार से यदि हमने अपने को देह के रूप में समझा तो सुखी दुखी पति पत्नी सास बहू, इस चक्कर से आप कभी नहीं निवृत्त होगे, कभी नहीं। हमको तो ये सब दुनिया में देख करके रोज रोज ऐसी सुंदर सुंदर बातें सीखने को मिलती है। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगी, आध्यात्मिक साधना माने अपनी जो रोज प्रत्येक अनुभूति से सीखने की प्रक्रिया है उसको बंद मत करना। एवरी डे इज अ लर्निंग डे, रोज देखो आप, नहीं तो आपका मेडिटेशन मैकेनिकल हो जाएगा। हाँ चलो हम लोग मेडिटेशन कर दे, फिर इधर से पी लो, उधर से पी लो, अंदर पी लो और बैठ लो। तो वो मेडिटेशन मैकेनिकल हो जाता है। नो मेडिटेशन इज एवर रिपीटेड, जो रिपीट होता है वो मेडिटेशन नहीं है, वो कसरत है। एक रंगरूट को बताया जा रहा था सबके साथ, बाय मुड देन मुड अबाउट टर्न, और वो खड़ा था एक जगह, तो वो उसको डांटा, क्यों नहीं तू घूम रहा है, सब घूम रहे, बोले पहले डिसाइड कर लो कौन सा घूम। कभी तो कहते रहने घूम, कभी कहते भाई घूम, पहले वो डिसाइड कर लो कौन सा घूम है। देखो यह जब तक हमने अपने को देह माना है ना, तभी तक ये संसार है। बच्चों को हम देह देते हैं, उसमें रहने वाला देही माता पिता निर्माण नहीं करते, जीने वाला देही होता है। देह एक मकान है, इसलिए कहते हैं रज्जु ज्ञाने ही धी ध्वस्तौ। जब हमने उस सांप को रस्सी के रूप में पहचान लिया कि ये जो सांप दिख रहा था वो असल में तो है रस्सी,
व्यक्ति को, क्योंकि यदि सांप मुझे काटता तो सांप मर जाता। मैं बहुत पैदल हूं। तो रज्जु ज्ञाने ही धस्त धी धस्त अही धी, अही धी माने हमने रज्जु को रस्सी को जो सांप माना है ये गलत फहमी जब नष्ट हो जाती, कृतम अपनी अनुशोचती, फिर ऐसा व्यक्ति अपने ही किए पर शर्माता है, मैं कितना बेवकूफ था, पत्नी के कारण दुखी हुआ, बेवकूफ थे नहीं, डोंट मेक इट हिस्ट्री, इट इज रियालिटी टूडे ऑल्सो। आज तक कोई पत्नी के कारण दुखी नहीं हुआ, तो तुम भी नहीं हो, कौन सी खास बात है। अच्छा ये सार्वजनिक है मानती, जो समस्या सार्वजनिक होती है ना वो समस्या नहीं होती। अपने आप को हल्का फुल्का रखो महाराज, हम ऐसे फंसे हैं इस देह में। तो रज्जु ज्ञाने अहि धी भस्तौ कृतम अपि अनुशोचति, फिर व्यक्ति को अपने ही किए पर शरण आती है। देखो कैसे उदाहरण देते हैं, मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्धये क्षमापयन् निवार्तानं साक्षिणं चरणं गतः। जैन लोगों में होता है, मुझे कई लोगों ने भेजे है कि मैंने कुछ गलती करी होगी तो मुझे माफ कर देना, मतलब तुमने कोई गलती करी तो मैं देखता कहाँ हूँ। तो तुम्हारी ना तो मैंने गलती को देखा है ना तो तुम्हारे क्षमा को देख रहा हूँ। मिथ्या अभिदोषस्य, कई बार हम किसी पर गलत इंजाम लगा देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं इन्होंने हमारा बुरा नहीं किया था, तो मेरी गलती थी कि मैंने इनको बदनाम किया। फिर आदमी प्रायश्चित करता है कि भाई आई एम वेरी सॉरी, अपने किए हुए पर पछताया करता है। फिर क्या करते हैं, जाकर के माफी मांगते हैं सबके सामने, लिख करके मुझे माफ कर देना, इसको प्रेम करके रखते हैं, देखो मैं आपके पास आके माफी मांग। एक बार कहा कि सिक्किम की बात है, एक हमारे मित्र थे जैन मित्र, अब नहीं रहे, बहुत बूढ़े थे, सब उनके बारे में यही जानते थे कि ये बहुत ही खूंसक टाइप के, और जब उनका ये पर्युषण का समय आता है ना तब वो जाकर के छपवा लेते थे क्षमा करना क्षमा करना, और जो भी रिक्शा वाले घोड़े वाले टांगे वाले सबको जाकर के प्रणाम करते थे, पैर टूटे के माफ करना मैंने आपको कुछ कष्ट कर दिए होंगे, और ये होने के बाद फिर सुन। देखो जैसे एकादशी के बाद द्वादशी आती है दुगना। तो हम अपने गलती को जैसे क्षमा मांगते हैं इसी प्रकार से आत्मानं साक्षिणं शरणं गतः, इसी प्रकार से अब यह जो चिदाभास अपने को देह सुखी दुखी इत्यादि मानता था, अब ये चिदाभास जो है अपने आप को साक्षी चैतन्य के सामने शरणागति को प्रकट कर लेता है, माने स्वयं को वो मिटा देता है और केवल सत्य को स्वीकार करता है। ध्यान से सुनना, लहरों की शरणागति समुद्र के पास अपने अस्तित्व को टिका करके नहीं होती, आभूषणों की शरणागति सुवर्ण के पास अपने नाम रूप को टिका करके नहीं होती, इसी प्रकार से परमात्मा के प्रति शरणागति का तात्पर्य है हम अपने आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट क्लोज कर, आईसी आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं देह हूं प्राण हूं मन हूं बुद्धि हूं, क्या उनके रोग हूं रोगी हूं, आईसी आइडेंटिटी क्राइसिस। दूसरी आईसी आई एम कंफ्यूज, आईसी आईसी ऐसा हूं मैं आप, इसमें से अपने आप को बचाना। तो क्षमापय निवमात्मानं साक्षिणं शरणं गतः, अपने स्वरूप में स्वयं निष्ठा प्राप्त करके ही रहना है। इसलिए महाराज दुनिया में नाटक के जैसे रहो, जैसे आप सुन रहे हो, कितनी एकाग्रता से सुन रहे, इतनी एकाग्रता से कि बाहर आने के समय एकाग्रता को ही छोड़ दिया, भूल गए।
तो आवृत्त पापनुत्यर्थम स्नानाद्या वर्तते यथा आवर्तन्यव ध्यानम सदा साक्षी परायणः। तो अपने पाप का क्षालन करने के लिए हम क्या करते हैं, चलो जाते हैं हरिद्वार में और वहां जाकर के हर की पौड़ी में स्नान करेंगे और अपने सभी पाप धो डालेंगे, दान धर्म करेंगे। इसी प्रकार से हमको माने ये चिदाभास को नित्य निरंतर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान से सुनना, इस ध्यान के अभ्यास में फंसना मत। कितने साधक फंस जाते हैं, स्वामी जी मैं ध्यान के लिए बैठा था, कल तो लाइट आए थे, आज एक भी लाइट नहीं दी, तब से मैं बहुत परेशान हूं। उसके बाद रोज मैं ट्राई करता हूं, आज बैठ एक भी लाइट, क्या हो गया, फ्यूज, ये लाइट के चक्कर में रहोगे। दूसरा फिर फंसता है कि मुझे यहां गुदगुदी हो रही थी तो बैठा मैं ऐसा ऐसा चक्कर और भी मुझे डर लगा डरपोक। तीसरा कहता है मुझे बहुत भिन्न भिन्न आवाज आने लग गए, कभी आ गया याहू। इन चक्करों में मत फंसना, ये सब प्रकृति के विकार है। एकदम अपने आप को बिल्कुल दृढ़ बनाओ, नहीं तो इसी में फंसे रहोगे। एक ध्यान की प्रक्रिया में बताते हैं, सब बैठो, आगे त्राटक करने के लिए ये जो हवाई जहाज का जो टर्बाइन होता है ना बड़ा वाला, उसके ऊपर में जो लाइन होती है वो पूरी सर्कुलर नहीं होती, ऐसे कीड़े की जैसी होती है, तो जब घूमता है ना तब पता चलता है घूमगा, तो वैसा चित्र रखेंगे। हाँ आप उसके अंदर देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आंखें बंद करो, अब तुम उस टनेल में प्रवेश कर चुके हो, टनेल में प्रवेश कर चुके हो, 10, 9, 8 अंदर जाओ, 7, 6 और अंदर जाओ। अब अंधकार आ रहा है, बहुत गहरा अंधकार है, इतना गहरा कि कुछ भी नहीं दिखेगा। आप फिर मैं गिनूंगा 5 से 1 बजे 1 तक और एकदम छलांग मार देना, 5, 4, 3 बूम, सामने एक देवदूत प्रकट हो गया है, इसकी सफेद दाढ़ी काले बाल, वो तुमको गाइडेंस करेगा। ये सब चक्कर में मत फंसना, फिर वो तुमको बताएगा तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम गधे थे। कम से कम इस जन्म में नहीं है, नहीं यहां भी हो। इस चक्कर में कभी मत फंसना, ये सब होता है नहीं होता इसी बात में। हमारे मन से सपने में हम पूरा विश्व निर्माण कर सकते हैं तो गधे घोड़े नहीं निर्माण कर सकते, लेकिन ये सब मानसिक है, इसका तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। देखो नहीं तो आप लेटे रहो शवासन में और फिर वो एस्ट्रल बॉडी वहां से निकलेगी, सॉरी एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी निकलेगी और एस्ट्रल बॉडी का आपके उम्र के साथ ब्लू रे के साथ, ब्लूटूथ में ब्लू रे के साथ कनेक्शन होगा और फिर आप यहां गए वहां गए, ईंट पत्थर पानी हवा कुछ आपको रोक नहीं सकती। फिर आप चले गए वरुण लोग चले गए, फिर ब्रह्म लोग चले गए, घूम घाम करके फिर याद आ रही मैं कहां गए, चलो वे वापस आ रही, फिर आके घूम गए, हाँ कैसा लगा, बड़ा अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा, ये सब मानसिक चीजें हैं, इसमें मत फंसना। और ये इतना अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये मन का खेल चल रहा है। जैसे हमको बाहर के भोगों में आनंद आता है ना, इसी प्रकार से इसमें भी आनंद आता है। देखो तो आवृत्त पापनुत्यर्थम स्नानाद्या वर्तते यथा आवर्तयन्निव ध्यानम सदा साक्षी परायणः।
कि ध्यान का अभ्यास क्या है। ध्यान का अभ्यास यही है कि जो अनुभव प्रारंभ होता है थोड़े समय तक टिकता है और नष्ट हो जाता है, यह आकाश में आए हुए बादलों के जैसा है। बादलों में आना जाना है, आकाश कहीं आता जाता नहीं। इस चिदाकाश में एक बादल आता है जागृत अवस्था का, उसमें बड़ी वर्षा होती है, लेकिन वो बादल भी चला जाता है। ये दूसरा बादल आता है, उसमें केवल घोर आवाज होती है, वर्षा नहीं होती। वो सपना अवस्था का बादल आके चला गया। उसके बाद तीसरा अंधकार हो गया, बादल है या नहीं वो भी नहीं दिखता। ये हो गई सुषुप्ति की अवस्था। और चौथी अवस्था, जब सब बादल शांत हो गए, अंधकार गायब हो गया, एकदम केवल नील अभ्र रहित आकाशवत एकदम प्रसन्नता, ये हो गई समाधि का बादल। कि चारों बादल आते हैं, मंडराते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक चिदाकाश, उसको ना तो कहीं आना है ना तो कहीं जाना है। इसको कहते हैं ध्यान देना, करना नहीं। करने की क्रिया परिच्छिन्नता में होती है। जैसे नदी को बहना पड़ता है समुद्र के पास पहुंचने के लिए, और समुद्र को बहना नहीं पड़ता, दोनों जगह पानी हिल रहा है। नदी के पानी का हिलना अपने अपूर्णता का प्राकट्य है, और समुद्र के पानी का हिलना अपने परिपूर्णता का प्रेम है। देखो फर्क कितना है। इसी प्रकार से ध्यान का अभ्यास करना माने ध्यान देना, सावधान रहना, कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं, कहीं शत्रु मित्र अपना पराया तो निर्माण नहीं कर रहे हैं। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन मत निर्माण करो। भगवान कृष्ण का जो सबसे अंतिम सर्वश्रेष्ठ उपदेश उद्धव जी को रहा है वो यही रहा है। इस दुनिया में ऐसे रहो कि ना किसी को अच्छा कहना है ना किसी को बुरा कहना है। जिसको आज अच्छा कहोगे कल उसी को बुरा कहोगे, जिसको आज बुरा कहोगे कल उसी को अच्छा कहोगे, क्योंकि आवश्यकता अनुसार उपयोग के अनुसार कोई अच्छा बुरा होता है, असल में कोई अच्छा बुरा नहीं होता। लेकिन ये अच्छे बुराई के लेबल के कारण हम अपना संसार निर्माण कर लेते हैं। देखो संतो, जगत में रहते समय ऐसा रहे कि अपने अंतकरण पर एक भी छींटा ना आए। जैसे बारिश के दिनों में जब हम चलते हैं रास्ते पर, उधर से कार आ रही होती है और लगता है पड़ने हो गए, तो क्या करते हैं, छाते को ऊपर से गीला होना ठीक है, यहां एकदम ऐसा पकड़ लेते हैं ताकि छींटे कपड़े पर ना पड़े। इसी प्रकार से इस जगत में रहते समय अपने मन पर एक भी संस्कार निर्माण नहीं होने देना। जिसके संस्कार निर्माण होते हैं वह अज्ञान है, जिसका संस्कार निर्माण नहीं होता वो परिपूर्ण ज्ञान है। इस छोटे से कमरे में कोई चूहा मरा तो उसका संस्कार निर्माण होगा, चारों तरफ सुगंध फैली। अभी हम जब आ रहे थे दिल्ली से इंदौर, इंदौर से भोपाल, तो जैसे इंदौर में हमारे फ्लाइट ने लैंड किया, अंदर में ऐसी किसी के जैसे जलाते हैं ना किसी जीवंत प्राणी को, तो कैसी बदबू आती है उसके मांस के जलने की, पूरे हवाई जहाज के अंदर में एकदम से कुछ मर गया हो जल रहा। तो मैंने क्या हो रहा भाई, तो मैंने पूछा उसको, अम्मा ये कौन सा फ्रेग्रेंस है, मुझे नाम देना जरा इसका, एकदम नाक खुल गया। उतने में वो पायलट ने अनाउंसमेंट किया,
कि अभी अभी एक पक्षी वो टरबाइन में सक होकर के जल गया, मर गया और उसके कारण ये बदबू आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए क्षमा करना। और खिड़कियां तो खोल नहीं सकते ना, देखो इसीलिए हवाई जहाज की खिड़कियां अपनी कार अच्छी होती है। तो फिर उन्होंने अंदर बहुत छिटके छटके मारे तो ये पक्षी उसके अंदर में चला गया, फिर तो साफ कर घर डाल गया। तो छोटे से जगह में थोड़ी भी बदबू हो तो गंदगी हो जाती है, पूरे खुले आसमान में दुनिया सड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता। जगत में रहते समय एक भी संस्कार अंतकरण पर नहीं होने देगा, उसके द्वारा हम नित्य निरंतर 100% वर्तमान में रहेंगे। मन का मृत्यु हो जाता है यदि मन भूत भविष्य में भटकना बंद कर दे तो, लेकिन कौन अपनी मृत्यु चाहेगा। इसीलिए मन या तो भूतकाल की खुराक को डब्बा खोल करके खाता है, नहीं तो भविष्य की चिंता में बिजी रहता है। तो चिंता क्या है, समस्याओं को निर्माण करके सुलझाने का असफल प्रयत्न, उसको कहते चिंता। समस्या तो कोई नहीं, समझो वहां गए वो ऐसा हुआ तो होने दो, तब देखेंगे ना, अभी से क्यों परेशान हो रहे। तो अपने मन पर कोई भी संस्कार निर्माण न होने देवे, इसको कहते हैं ध्यान। इसलिए ध्यानम सदा साक्षी परायण। एक बार हमने आपको आकाश योग की बात बताई थी, इसका अभ्यास करो। शांत होकर के बैठे, पहले थोड़ी देर के लिए रामदेव बाबा का स्मरण कर लेना। हमारे नेपाल में लोग ये नहीं कहते कि भई तुमने प्राणायाम किया क्या, हाँ वो कहते रामदेव किया क्या, हाँ कर लिया प्राणायाम, हैज बिकम रामदेव नोट। तो थोड़ी देर रामदेव बाबा को कर लो, उसके पश्चात शांत होकर के फिर खेलना शुरू करो। क्या खेलना है, यदि आकाश स्वरूप मैं हूं तो इस आकाश का क्या अनुभव होगा। हम आप सबको एक उदाहरण, एक एक्सपेरिमेंट बताते करने के लिए करो और उससे कुछ सीखो। आपके घरों में तो बाथरूम में वेइंग स्केल होगी ही, हर एक के घर में चाहे वेट हो ना हो वेइंग स्केल जरूर होगी। उस वेइंग स्केल पर एक बड़े बर्तन में, बकेट में, आधी बकेट पानी भर के रखो, उसका वजन नोट कर लेना। उसके पश्चात उसमें एक जिंदा मछली डालना, मछली डालने के बाद फिर उसका वजन करना, फिर दूसरी जिंदा मछली डालना, फिर उसका वजन करना, और तीसरा एक्सपेरिमेंट मछलियों को निकाल लेना, फिर उसका वजन करना, और उसका देखो क्या ऑब्जर्वेशन आता है। हाँ भी बता दो ना। जैसे एक विद्यार्थी को परीक्षा में पूछा गया था, भारत की राजधानी क्या है, सर आपको तो पता है नहीं, क्यों मजाक कर रहे हो। इसका चिंतन करो, देखो ये सब ग्रंथियां खुल जाएगी। आवर्तन जीव ध्यानम सदा साक्षी परायण। हम ये पूछते हैं कि बंबई कहाँ है, भारत कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है, कभी पूछा है आकाश कहाँ है। तो आकाश कहाँ है ये प्रश्न बनता ही नहीं, जो परिच्छिन्न है उसी का देश विशेषता होती है, जो परिपूर्ण है वो कहाँ नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, तबियत ठीक है, कोई रोग रूप तो नहीं, कौन सा रोग नहीं है। हर रोग है, नाम ले लो अपन निकाल के दिखा देते। आवृत्त पावन व्यथम स्नाद्या वर्तते यथा आवरत ध्यानम सदा साक्षी परायण। तो पहला ये अभ्यास करें, उसके पश्चात दूसरा अभ्यास करें कि
यदि जगत की कोई भी वस्तु हम पर प्रभाव नहीं डालती तो उसका तात्पर्य हुआ जगत के किसी भी वस्तु से हमको सुख दुख का अनुभव और सुख दुख की वृत्ति अंतकरण में निर्माण नहीं होती, और यदि वृत्ति निर्माण भी हुई तो भी हम अब दूसरा अभ्यास करते हैं कि हम अभी केवल चित्ताकाश है, जैसे स्थूल आकाश में वस्तुओं के आने जाने का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार से चित्ताकाश में एक भी वृत्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। पहले भूताकाश से निकले चित्ताकाश में आए, वहां से निकले फिर आए चिदाकाश में, चिदाकाश में जागरण स्वप्न सुषुप्ति शु प्रपंचम यम प्रकाशते तद ब्रह्मा हमिति ज्ञात्वा, उसी तत्व को पहचान लेना है। जागृत आके गई, सपना आके गया, सुषुप्ति आके गई, समाधि आके खत्म हो गई, हम जो के थे। इसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास, जिसमें हम ध्यान दे रहे हैं, कर नहीं रहे। करने की क्रिया देह से होती है, वाणी से होती है, शरीर से होती है। ध्यान या शरीर वाणी इसका क्षेत्र नहीं है, ध्यान देने की वस्तु है, करने की वस्तु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।